রেকর্ডিং স্টার্ট করেছি, একটু কনফার্ম করিস তো। স্টার্টেড না? ওকে স্যার, ওকে স্যার, ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ এগেন। তো স্যার চলো স্টার্ট করতে হ্যায় স্টক মার্কেট ইকুইটি ডেরিভেটিভ। ऐसे तो ये फ्राइडे वाला क्लास है, बट हम लोग आज संडे को ही करेंगे। ठीक है सर, बहुत वाइटल एक डिस्कशंस करेंगे आज आप लोगों के साथ। डिस्कशंस का पॉइंट है सर, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बीच में क्या फ़र्क है। ऐसे तो वॉल्यूम का एक्चुअल डिस्कशंस मैं आपको टेक्निकल पे ही कर पाऊँगा, बट जब तक टेक्निकल पे वॉल्यूम डिस्कशंस नहीं हो जाता है, जब होगा तब वहाँ पर मैं बताऊँगा। लेकिन आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उसके बारे में आइडिया लग जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, कि मैक्सिमम ये फीलिंग्स आते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम सेम है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, नॉट एग्जैक्टली, दोनों चीज़ अलग है, मतलब इट्स टोटली डिफरेंट भी बोला जा सकता है। लेकिन दोनों इंफॉर्मेशन मार्केट के लिए वाइटल है। फैक्ट इज दैट बोथ द इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। मतलब तो जैसे वॉल्यूम का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, वैसा ही ओपन इंटरेस्ट का तो बिल्कुल होना चाहिए। मतलब स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ओपन इंटरेस्ट दोनों बहुत काम करेगा, और इंट्राडे मार्केट में वॉल्यूम का यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन वॉल्यूम का इस्तेमाल करके भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। लेकिन कितना फ़र्क है, मतलब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस एंड उसके एप्लीकेशन पार्ट में कितना डिफरेंसेस है, और एक ट्रेडर को वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को देख के क्या डिसीजन लेना चाहिए, है ना सर? तो ये जो बेसिक बात कर रहा हूँ ना, यही मेन बात है, सिंपल चीज़ है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके हाइप क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल तरीके से क्या है वही जानने के पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सर, ठीक है? एक मिनट, मैं थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट बस ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूँ क्या हो गया, नेट इश्यूज हो गया क्या सर? कनेक्टेड हो आप लोग? हेलो, है सर। ओके ओके, मेरे यहाँ पर हाँ दादा, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। ठीक है चलो पहले स्टार्ट करें, फिर तीन लोग बताते हैं। স্ক্রিন শেয়ার করেছি? না না আই থিঙ্ক স্ক্রিন শেয়ার হয়ে যাবে, হ্যাঁ না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার পড়া আসো। ঠিক আছে, দেখো তো অ্যাজ পার সিলেবাস দেখা যায় তো বহুত ভাইটাল এক ইনফরমেশন পে যা রয়েছে। মতলব NISM কা এক্সাম যো লোক দেঙ্গে উন লোক কে লিয়ে বতা রা হুঁ, ঠিক হ্যায়? অ্যাজ পার এক্সাম ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ক্যুঁকি আলটিমেটলি ইয়ে ট্রেডিং কা সবসে ইম্পর্টেন্ট পার্ট মে সে এক পে যা রা হ্যায়। ধীরে ধীরে সারা বাতই ইম্পর্টেন্ট হোতা হ্যায় স্যার, মতলব ইম্পর্টেন্ট লেস কুছ নেই হ্যায়, সব চিজ ইম্পর্টেন্ট হ্যায়, বাট ফির ভি কুছ চিজোঁ কো মার্কেট মে কুছ জ্যাদা হি অহমিয়ত মিলতা হ্যায়। মতলব দেয়ার আর সার্টেন থিংস जिसमें आपको थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है? उसमें से एक टॉपिक है ये आपका ओपन इंटरेस्ट वाला टॉपिक, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट एंड डेरिवेटिव वाला टॉपिक। तो मैं बस एक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा हूँ सर, कहाँ चले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने से अच्छा रहेगा। 50 फ्यूचर, चलो ठीक है। होने दो, पता नहीं आज संडे बोल कैसा कर रहे हैं। ठीक है, जब ओपन हो जाएगा मिल गया सर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को शायद दिखाई दिया होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ।
ये देखो ये न्यू साइट में है, मतलब ये एनएससी का ओल्ड साइट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एनएससी के ओल्ड साइट में भी आपको दिख जाएगा, ये न्यू साइट है, ठीक है, मतलब न्यू पोर्टल। तो एनएससी के न्यू पोर्टल में अगर आप इंडेक्स फ्यूचर को देखते हो, ये देखो सर, निफ्टी निफ्टी निफ्टी, ऑब्वियसली 3 निफ्टी इसलिए है क्योंकि एक्सपायरी डेट के हिसाब से नियरेस्ट एक्सपायरी 27 अप्रैल मतलब करेंट मंथ का है, फिर 25 मई का है, फिर 29 जून का है। स्ट्राइक है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, सॉरी यहाँ पर स्ट्राइक का तो कोई जरूरत है नहीं, ऑप्शंस में स्ट्राइक का जरूरत होता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है आपको कि क्या इस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में क्या दाम में क्लोज हुआ था। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इजीली, परसेंटेज सब पॉजिटिव में चेंज हुआ था, मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस में आया है सर, और यही होना था, हम लोग क्लास में भी देख रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आज डिस्कस करना है, दैट इज वॉल्यूम, और इधर आ गया आपका ओपन इंटरेस्ट 2,28,8,28,397, मतलब 2,28,397। इतना कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है अप्रैल फ्यूचर का, अप्रैल फ्यूचर का। सिमिलर डेटा आप जब ऑप्शंस करेंगे तो आपको ऑप्शंस में भी दिखेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, चाहे फ्यूचर कर लो चाहे ऑप्शंस कर लो, डजेंट मैटर, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बताता है। सर ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ये बताता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब सिंपल बाई हुआ है बट सेल अभी ड्यू है, मतलब स्क्वायर ऑफ करना बाकी है, या फिर पहले सेल हुआ है मतलब शॉर्ट सेल किया है तो बाद में बाई करना ड्यू है सर, ड्यू है, मतलब जो भी है पोजीशन ओपन है, पोजीशन अभी ओपन है। तो 2,28,397 पोजीशन ओपन है मार्केट में, इतना कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपनली घूम रहा है, ठीक है। सेलर के लिए बायर वेट कर रहा है, बायर के लिए सेलर वेट कर रहा है, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है सर। स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि आगे का मार्केट किधर जा सकता है, इसके बारे में भी आपको आइडिया लगता है। इवन फ्यूचर मार्केट को देख के आप प्रेजेंट मार्केट के बारे में भी फील कर सकते हो, एज वेल एज जैसे हम लोग नॉर्मली अंडरलाइन को देख के उसके फ्यूचर को समझते हैं, मतलब प्रेजेंट मार्केट को देख के या स्पॉट मार्केट को देख के या कैश मार्केट, जो भी नाम से पुकारा, प्रेजेंट मार्केट, कैश मार्केट, स्टॉक मार्केट, करेंट मार्केट, सब एक ही नाम है, उसको देख के हम फ्यूचर मार्केट या एज वेल एज ऑप्शंस में अलग अलग टाइप्स को ढूंढते हैं। सो पॉइंट वही पर है सर कि आप फ्यूचर को देखने के लिए प्रेजेंट को देख सकते हो, वैसे ही प्रेजेंट को भी देखने के लिए फ्यूचर भी कई बार हेल्प करता है आप। नाउ पॉइंट इज दैट ये ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, जो सबसे बड़ा बात है सर, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट देख लेना एक चीज है, और ओपन इंटरेस्ट को देख के उससे मतलब उससे निकलता हुआ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आपका ट्रेड सेटअप क्या है, ये मायने रखता है। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पर देखो 2,28,397 आपका निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट था, वहीं पर वॉल्यूम बता रहा है 1,72,665, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट मंथ में आ जाओ मतलब 25 मई में आ जाओ, इसमें वॉल्यूम बता रहा है 29,000 का, इसमें ओपन इंटरेस्ट बता रहा है 31,000 का, ठीक है। अच्छा इसमें ओपन इंटरेस्ट बता रहे 4,000 का, इसमें 7,000 का। सर एक बात तो आप लिख के रख लो एकदम, दैट इज जितना आपका ओपन इंटरेस्ट हाई होगा, जितना आपका ओपन इंटरेस्ट हाई होगा मार्केट उतना लिक्विड है, मार्केट उतना लिक्विड है। मतलब अगर प्रीवियस क्लोज और करेंट क्लोज में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, इसका मतलब है कि मार्केट लिक्विड है। लिक्विड मार्केट में सुविधा क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। हाँ अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप बायर बने थे तो सेलर मिलेगा, सेलर बने थे तो बायर मिलेगा, चांसेस इज वेरी हाई। जहां पर ओपन इंटरेस्ट लो है लिक्विडिटी लेवल में इफेक्ट करता है, सबसे बड़ी चीज यही है। सर मार्केट बुल होगा कि बियर होगा ये कैसे पता करेंगे सर? वो भी बता रहे लीवरेज हाँ बोल। मुझे लीवरेज इफेक्ट पड़े ऑब्वियसली लेवरेज में इफेक्ट करता है, बिल्कुल।
जितना हाई लेवल ओपन इंटरेस्ट रहेगा, जितना आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उतना मार्केट लिक्विडिटी इंडिया हाई। हाँ बोल। में हो तो इफेक्ट पड़ गया था। ऑब्वियसली प्रीमियम का कॉन्सेप्ट में ऑप्शंस में बोलूंगा, फिलहाल सिंपल फ्यूचर को समझ। तुम अभी सारा चीज एक साथ दिमाग में मत खा, ठीक है? अभी अभी तू जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन। बाकी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैं ऑप्शंस का क्लास में बोलूंगा। प्रीमियम कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आता है सर फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर मार्केट में उतना ही मौका देता है, जबरदस्त मौका देता है। मैं प्रीमियम के बारे में अभी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये सुमित आजकल घर पे अपना स्टडी कर रहा है ना, तो माथा खा रहा है खुद का भी और मेरा भी। भाई सुमित बाद में बताएंगे प्रीमियम कैसे काम करेगा, वो ऑप्शंस का खेल है। मैं फिलहाल प्रीमियम पे नहीं जा रहा, ठीक है? लेकिन तुम बिना प्रीमियम का ही सोचो। ऑब्वियसली अगर नॉर्मल प्राइस को इम्पैक्ट करेगा तो प्रीमियम को ही को भी करेगा, लेकिन बात यहाँ पर इतना है कि सिंपल फ्यूचर मार्केट में समझने का कोशिश करो। पहले सिंपल वाला समझो कि अगर ओपन इंटरेस्ट हाई है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट प्राइस में एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ओपन इंटरेस्ट लो है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट प्राइस में एज वेल एज ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और कैलकुलेशंस क्या है सबसे बड़ी चीज, हम लोग पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आखिर ये जो 2,28,000 का जो डेटा मिल गया, ठीक है, ये कैसे मिला, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, क्या हम लोग एनएसी के तरह या बीएसई के तरह कैलकुलेट करने बैठेंगे? नहीं सर, हम लोग बेसिक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बेसिस में धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अल्टीमेट बिल्डअप प्रोसेस क्या है, ठीक है, अल्टीमेट बिल्डअप प्रोसेस क्या है, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पुराना साइट में एक बार जाने का कोशिश करता हूँ। पुराना साइट का लिंक क्यों नहीं दे रहा, बंद कर दिया क्या? इतना दिन तो था। अरे अवेलेबल नहीं कर, अच्छा इसीलिए जबरदस्त, इसीलिए मैं देखा, मैं स्टार्टिंग में भूल गया था कि मेरे को तो आदत है थोड़ा ओल्ड वेबसाइट देखने का। देखा सर क्या लिख दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2023 1 अप्रैल, मतलब कल से शैल नॉट बी अवेलेबल बोल दिया। वाह बहुत अच्छा है, ठीक है सर, अब से तो इसी में देखना होगा, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली मेरा आदत बन गया था ओल्ड साइट को देखने का, तो इसलिए मैं न्यू साइट में ना ढूंढना पड़ता है क्लास करते करते। चलो ठीक है, न्यू साइट ओल्ड साइट में देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब से न्यू साइट में ही देखना पड़ेगा सारा डेटा, ठीक है सर। तो इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट डेरिवेटिव, सिंपल इक्विटीज, जो देखना है रेफरेंस रेट्स, मार्केट टर्नओवर। मॉर्निंग मॉर्निंग, कौन बोला? गुड मॉर्निंग शंपा, सही बोल, ओके, गुड मॉर्निंग बोल, ठीक है, यस गुड मॉर्निंग सर। चलो सर, ए ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো কি পড়তে চাচ্ছি, মতলব ক্যা চিজ সিখনা হ্যায় আজ বলো স্যার। থোড়া ধীরে ধীরে স্টার্ট কিয়া আজ, লেকিন আই হোপ কি আপকো সমঝ মে আ রাহা হ্যায় আর আগে আ ভি জায়েগা। হেজিং বহুত হুয়া, হেজিং হেজিং দিমাগ মে একদম হেজ কর দিয়া, আপকা রিস্ক কন্ট্রোল হো গিয়া হোগা, ঠিক হ্যায়। চলো ওপেন ইন্টারেস্ট क्या है, ओपन इंटरेस्ट एंड उसका कैलकुलेशन टेक्निक ही क्या है। थोड़ा बोरिंग टेक्निक है सर, ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है, वेरी बोरिंग टेक्निक, बट ये बोरिंग टेक्निक ही अल्टीमेटली काम आता है। मैं तो जिंदगी का, मेरा जो एक्सपीरियंस दिख रहा है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ जिंदगी में जो चीज जितना बोरिंग है वही चीज उतना फ्रूटफुल है। मतलब जो जितना एंटरटेनिंग लगता है वो एक्चुअल में उतना एंटरटेनिंग नहीं होता है। सर ऐसा है क्या? सर ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, बिफोर वी कंक्लूड दिस, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन स्टेज में हैं, और मजा का बात है कि सर ओपन इंटरेस्ट को समझने के बाद आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में भी हेल्प, मतलब ऑप्शंस में भी हेल्प मिलेगा, नॉट जस्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है सर, वी मस्ट एड्रेस वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज ओपन आस्क, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट का चर्चा है कि सर ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल यूज और यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और ये ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से कितना अलग है। लाइव मार्केट में वॉल्यूम कैसे देखने को मिलता है वो हम लोगों ने पहले में देखा है ना सर। हम लोग लाइव क्लास चलते चलते भी, आज तो संडे है लाइव मार्केट नहीं देख पाएंगे, बट सर ये हमारे यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी हमें वॉल्यूम का भी डेटा दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा दिखाई दे रहा है। सर ये मैंने निफ्टी का देख रहा हूँ, अगर आप किसी स्टॉक का देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो ना, स्टॉक का डेटा, इक्विटी डेरिवेटिव्स,
स्टॉक का डेटा मुझे यहाँ से कहाँ से मिलेगा? स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखना चाहते हो तो फिर आपको स्टॉक में क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने रिसेंटली गौर किया सर, हम लोगों का रिलायंस का जो एनालिसिस चल रहा था क्लास में, रिलायंस में, टीसीएस में। हाँ पीयूष, पीयूष शायद रिलायंस में बात कर रहा था मुझे सर। अल्टीमेटली हम लोग का वो फ्रूटफुल हो गया सर, हम लोग का वो क्या था, हरामी था ना। अरे अरे हरामी, हरामी हम लोगों को गेम दे दिया सर। मैं बार बार बोल रहा था कि सर आप लोग मार्केट को देखते रहो, देखते रहो। रिलायंस में पैटर्न बन रहा है और मैं बहुत ज्यादा श्योर था कि रिलायंस कुछ तो करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन में चल रहा था। सपोर्ट जोन में अगर ऐसा कैंडल के मतलब फॉर्म होता है ना सर, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो वो जो कुछ करेगा मतलब हरामी बन के बताने का कोशिश कर रहा था, जो रिस्क टेकर था वो थोड़ा सा रुक गया होगा क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप आ गया था, फिर एक हैमर आ गया। हैमर ऐसे सिचुएशंस में कलर डजेंट मैटर, बट हैमर अल्टीमेटली ये हैमर फॉर्म होकर ये बता दिया कि मार्केट को अभी ऊपर लेके जाना। इस सिचुएशंस में हैमर फॉर्म होकर वो इतना बता रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना, और अल्टीमेटली वही हुआ। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड भी साथ दिया, बट मार्केट तभी चलता है ना, निफ्टी में तभी चेंजेस नजर आता है जब इंडिविजुअल स्टॉक में चेंजेस नजर आता है, क्योंकि एक एक जैसे बूंद बूंद से सागर होता है। बात को समझे, निफ्टी 50 एक सागर अगर है तो उसमें 50 बूंद है सर, 50 ड्रॉप्स। 50 ड्रॉप्स मतलब 50 इक्विटी फर्म, मतलब बेसिकली कंपनी, 50 कंपनीज का बूंद है सर। वो 50 कंपनीज का मैक्सिमम का ड्रॉप जब पॉजिटिव एंड में क्लोज होता है तब निफ्टी भी पॉजिटिव जाता है, तो उसमें से एक रिलायंस था नो डाउट, और जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कशंस कर रहे थे। और अल्टीमेटली देखो मैं बार बार बोल रहा था, ऑब्जर्व करिएगा सर, ऑब्जर्व करिएगा। जो जिन लोगों ने थोड़ा साहस लिया ट्रेड किया, ऑब्वियसली गेन किया। किसी ने किया क्या? आई थिंक किसी ने किया है, क्यों करे चीज ना किरे, शॉर्ट टर्म ट्रेड, इवन फ्यूचर ट्रेड। रिसेंटली एक्चुअली मैंने भाई को बोल रहा था कि आप लोग शायद पता है वो किसी को गाइड करता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस करता है, ट्रेडिंग एडवाइस, तो उसको गाइड करके करीब एक दिन में 10-15 हज़ार का प्रॉफिट करवा दिया। बोले चलो बढ़िया है। दो तीन स्टॉक का नाम बोल रहा था, उसमें रिलायंस भी था, क्योंकि मेरे से मैं उसको बोला था रिलायंस को थोड़ा देखने के लिए, और एयरटेल के बारे में भी बोल रहा था आई थिंक, एयरटेल। हाँ मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, यही सब चीज आपको एडवाइजरी रोल प्ले करने में भी हेल्प करता है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो ओपन इंटरेस्ट है और ये जो वॉल्यूम है, ये कितना मिलता जुलता है और कितना अलग है? तो हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा? तो लेट मी अटेम्प्ट टू क्वेश्चन दिस इन दिस चैप्टर। हाउ टू इंटरप्रेट वाई डेटा इन कंजंक्शन विद द वॉल्यूम टू मेक बेटर डिसीजंस व्हाइल ट्रेडिंग आल्सो। आई वुड सजेस्ट यू रिफ्रेश योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, रिफ्रेश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नॉर्मली टेक्निकल पे वॉल्यूम बताया जाता है सर, ठीक है। लेकिन हम लोग टेक्निकल को तो अभी पढ़ नहीं रहे, मतलब टेक्निकल पढ़ रहे हैं लेकिन वहां पर वॉल्यूम तक अभी तक पहुंचे नहीं है। तो जिनको वॉल्यूम अभी तक टेक्निकल एनालिसिस में हुआ नहीं है जिन लोगों का, वो अभी मेरे साथ थोड़ा वॉल्यूम का आइडिया ले लेगा इन दिस क्लास। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट इज ए नंबर दैट टेल्स यू हाउ मेनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर करेंटली आउटस्टैंडिंग और ओपन इन द मार्केट। कितना कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन है। रिमेंबर दैट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू ट्रेड, यस वी नो दैट। मैं स्टार्टिंग में ही बोला, ए बायर एंड अ सेलर, एक तरफ बायर होते हैं दूसरी तरफ सेलर होते हैं। तो लेट अस से द सेलर सेल्स वन कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा, किसको करेगा? ऑब्वियसली बायर को करेगा। बायर बाई करेगा तो किससे करेगा? ऑब्वियसली सेलर से करेगा, इसमें और क्या चीज। लेकिन इसी चीज में ही तो खेल है। तो सेलर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है बायर को, द बायर इज सेड टू बी लॉन्ग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेलर सेल कर रहा है तो सेलर मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट साइड में है, और बायर बाई कर रहा है तो इसका मतलब बायर ऑब्वियसली लॉन्ग साइड में है। लॉन्ग मतलब उसको लग रहा है कि शेयर का दाम बढ़ेगा। सेलर शॉर्ट कर रहा है क्योंकि सेलर को लग रहा है कि शेयर का दाम गिरेगा। एंड अब ये बढ़ेगा गिरेगा के पीछे का बैकग्राउंड और नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर
क्लास चल रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये बढ़ेगा और गिरेगा के बीच में ही है, और कुछ तो है नहीं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कोई रॉकेट साइंस के अंदर नहीं है, जस्ट बढ़ेगा और गिरेगा। ठीक है, मतलब तो आसमान से टपकेगा, खजूर पे लटकेगा, या खजूर पे लटकेगा आसमान पे टपकेगा, कुछ तो होगा, है ना सर? हिंदी में कहावत है ना, आसमान से टपका खजूर पे लटका, पता नहीं। ठीक है, वही बात है सर। तो द बायर इज सेड टू बी लॉन्ग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलर इज सेड टू बी शॉर्ट ऑन द सेम सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक बाई करेगा तो दूसरा सेल करेगा, एंड ओपन इंटरेस्ट उसको वन मानता है सर। मतलब बायर साइड एज वेल एज सेलर साइड, बायर भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, सेलर भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो सेलर का कॉन्ट्रैक्ट और बायर का कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं माना जाएगा, इसको कॉम्बाइनली वन माना जाता है। बात समझ में आ रहा है सर? कंबाइंडली एक एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम लोग, मैं थोड़ा सा अगर बिजनेस लॉ में बात करूं 2 सेकंड के लिए, आई नो आप लोग बहुत सारे लोग, मे भी हो सकते हैं कि लॉ बिजनेस लॉ के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो लोग कनेक्टेड हो एटलीस्ट कॉमर्स पढ़ा है, सी एस सी एम में पढ़ते हो, बहुत सारे हैं सी एस सी एम में पढ़ते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग ऑलवेज पढ़ते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पुराना एक्ट है, उस एक्ट के अंदर क्या है सर? देयर मस्ट बी टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देयर मस्ट बी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर मस्ट बी एट मोर देन वन पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिंगल हैंडेडली आप खुद खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली दो पार्टी होना चाहिए, है ना? तो यही बात यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी बायर है तो दूसरा पार्टी सेलर है, एक पार्टी शॉर्ट कर रहा है तो दूसरा पार्टी लॉन्ग कर रहा है। लेकिन क्या एक शॉर्ट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसने शॉर्ट सेल किया उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग, और जो लॉन्ग किया उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग, इसको दो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? द आंसर इज नो, ये दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भले ही तो अलग लोगों का दो अलग अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कॉम्बाइनली एक वन कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। सेम कॉन्ट्रैक्ट पे बाइंग सेलिंग जब होगा तो उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट फिर बनता है सर। कैसे बताते हैं सर, बताते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक तरफ एक पार्टी ऑफर करता है तो दूसरे तरफ दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है, और फिर उस पे एग्रीमेंट बनता है, और फिर उस एग्रीमेंट में जब लॉ आ जाता है, एग्रीमेंट पे जब लॉ का एनफोर्सिबिलिटी लग जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही बिजनेस लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में बड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में अप्लीकेबल हो जाते हैं सर। इतना सिंपल बात है सर, इतना ही सिंपल बात है। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग यहाँ पर कुछ पार्टी चूज करेंगे। पार्टी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड में भाग लेगा सर, आप लोग भी हो सकते हो, है ना? या फिर यहाँ पर मैं किताबी बात भी ले सकता हूँ, ऐसे आप लोग सभी कोई ट्रेड करते हो और ट्रेड में भाग लेते हो, तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कि आप ही लोग हो सर। मैं थोड़ा सा नाम यहाँ पर जो किताबी नाम है मैं वही ले रहा हूँ, बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने में बोलने में सुविधा हो। सो वी विल नेम देम अर्जुन, नेहा, वरुण, जॉन, विक्रम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सोमपद, चौथा पीयूष, सुमित, इनकी ऐसे भी नाम, विश्व, ऐसा भी नाम यूज कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में अर्जुन जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में विश्व जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में इनकी के जगह नेहा आ गया, ठीक है, वरुण की जगह चौथा आ गया, जॉन की जगह सोमपद आ गया, किसी को भी ले लो सर, ठीक है। लेकिन बात ऐसे ही है कि जैसे नॉर्मल लोग, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टॉक मार्केट में आके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही नॉर्मल लोग है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी फ्यूचर कहाँ है? अभी हम लोग ने एनएससी के साइट में बार बार निफ्टी फ्यूचर देख ही रहे, कहाँ चला गया भाई? आ रहा है, जा रहा है, मेरे आंखों के सामने गायब हो रहा, किधर चला गया? ओ अच्छा, मैंने रिलायंस ओपन कर लिया, रिलायंस डेरिवेटिव ओपन करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन चेन आ गया, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में चले गए। ये देखो सर, ये रिलायंस का आ गया, ठीक है, रिलायंस में भी अच्छा खासा वॉल्यूम बना है सर, रिलायंस में भी अच्छा खासा वॉल्यूम बना है। ये देखो इधर है वॉल्यूम रिलायंस का, ठीक है, ये रिलायंस का वॉल्यूम देख रहे हैं आप। तो इसी तरह से वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे इंडेक्स का दिख रहा था, तो मैं इंडेक्स में ही थोड़ा बात कर लेते। इंडेक्स, 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 ये न्यू साइट ना मेरे दिमाग से थोड़ा बाहर चला गया। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, हाँ बोल बोल। বলছি কি যে আমি বলছি যে ভলিউম মানে আমি যেটা জানি যে
অনেক পরিমাণে বাই হচ্ছে আর সেলও হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার যদি পরিমাণে সেল হয় বা প্রচুর পরিমাণে বাই হয়, ওটা কি ভলিউম বেশি বলবো নাকি? শুধু ধর যদি বাই আপনি বেশি হচ্ছে কম, না, বাই বেশি হলেও সেল বেশি হলেও তাতে ভলিউমের এরকম কোনো ব্যাপার না, বাই দুটো বেশি হলেও ভলিউম বাড়বে, মানে সেল বাড়লেও বাড়বে, বাই বাড়লেও বাড়বে, তাহলে যদি দুটোতেই বাড়বে। সেল হয়ে যায় তাহলে আমি সেটা ভলিউমের মধ্যে পড়বো না। বুঝলাম না, মানে যদি সেলটা অনেক বেশি হচ্ছে আর বাই একদমই হচ্ছে না, তাহলে ওটা কি ভলিউম বেশি বলবো নাকি? না একই ব্যাপার। আমি বলছি, আমি বলছি কি ফারাকটা আছে, একটা থিন লাইন আছে একটা সামান্য। আমি বলছি, আমাকে জাস্ট একটা ইকুইটির একটা ডিটেলস একবার পেতে দে, এটা একচুয়ালি খুললাম হারিয়ে গেল, কোথায় চলে গেল ইন্ডেক্সটা, কোথায় গেল ইন্ডেক্সটা, চাই এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, আমি বলি, নেট কি বড় স্লো কাম করে জানি। তো মেইনলি যতগুলো মানে বাই সেল মানে কম্বাইন করে যেটা হচ্ছে সেই অ্যামাউন্টটা ভলিউম, তো হ্যাঁ বাই কম্বাইন করে হয়েছে সেই দুটোকে যোগ করে তো সেই ভলিউম। সব তোদের সব কোশ্চেনই আনসার দিচ্ছি, তার ব্যাপারটাকে সিম্পল ভাবে না দেখে একটুখানি ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে দেখলে ভালো হবে। স্যার এখানে আমরা 5টা লোককে পেয়েছি না, কোথায় গেল এক্ষুনি পেলাম, আমি আমি মিলা না স্যার, हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर बिल्डअप किया, जैसे अर्जुन था, नेहा था, वरुण था, जॉन था, विक्रम था। तो लेटेस्ट थ्रू देयर डे टू डे ट्रेडिंग, मान कि तुम ही लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, हाउ ओपन इंटरेस्ट वैरी। आप पहले ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं, इतना सारा लोग ट्रेड करेगा तो ओपन इंटरेस्ट वैरी कैसे? तो प्लीज डोंट, यू नीड टू एक्सरसाइज सम पेशेंस, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, चैप्टर भी बताना चाहता है आपको कि पेशेंस नहीं रखोगे तो बेसिकली और कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो और डाइवर्ट हो सकते हो, ठीक है? सो ना तो डाइवर्ट होना है और ना ही फ्रस्ट्रेटेड होना है, पेशेंस फुल रहना है, तभी जाके ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलो सर, मंडे, हाँ सोमवार, मार्केट का वीक का पहला दिन, मार्केट में लाइव दिन, अर्जुन ने 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, वरुण 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, नेहा 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, 10 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। सर हम कर सकते कि नहीं कर सकते? पहले ही हम सेल कर सकते, ये सर नो, जो मेरे पास है नहीं क्या मैं उसको सेल कर सकता हूँ? द आंसर इज फ्यूचर में, आंसर इज यस, है ना? हम लोग सपोज रिलायंस का मे फ्यूचर या निफ्टी जो भी लेना चाहते हो, आप डायरेक्टली सेल बटन दबा सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, पोजिशन ले सकते हो मार्केट में। सो पॉइंट इज दैट कि जो आपके पास है नहीं आप उसको सेल कर सकते हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो फ्यूचर मार्केट आपको बिल्कुल मौका देता है, नॉर्मल मार्केट में इंट्राडे मौका देता है, डे टू डे मार्केट। नाउ क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर नेहा ने क्या किया, नेहा ने 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और अर्जुन और वरुण ने 4 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, ठीक है? आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, ये लेन देन के बाद 10 कॉन्ट्रैक्ट इन टोटल। सर ओवरऑल देखा जाए तो अर्जुन का 6 है, वरुण का 4 है, नेहा का 10 है। तो नॉर्मल लोग सोच लेते हैं ज्यादातर केस में कि टोटल 20 हो गया, है ना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग लोगों ने लिया है, क्योंकि इसने 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, इसने 4, इसने 10, तो क्या इसको 20 कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? द आंसर इज नो, ठीक है? इसको हम लोग 10 कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इन टोटल विद 10 ऑन द लॉन्ग साइड। मतलब ऐसा बोलेंगे कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 10 है और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 10 है। कैसे? अर्जुन ने बाय किया तो अर्जुन लॉन्ग है, जो बाई करेगा वो लॉन्ग है ना, इसलिए एल इक्वल्स टू लॉन्ग और एस इक्वल्स टू शॉर्ट, ठीक है? तो अर्जुन ने बाई किया तो 6 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अभी होल्ड में है, इसको सेल नहीं किया, स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया, इसलिए होल्ड है, कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्केट में एक्सपायर नहीं हुआ है सर, ना तो एक्सपायरी हुआ है ना ही स्क्वायर ऑफ हुआ है। अच्छा, वरुण ने 4 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखा है, नेहा बाई नहीं किया, सेल किया मतलब शॉर्ट, ठीक है? नेहा ने 10 शॉर्ट करके होल्ड करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी आउटस्टैंडिंग रख दिया, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रख लिया जब तक एक्सपायरी नहीं आएगा या फिर एक्सपायरी से पहले वो उसको छोड़ के जाएगा। सो ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन देखा जाए, मार्केट में और भी ट्रेडर है सर, यहाँ पर हम लोग 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं, मार्केट में मे भी 5 लाख ट्रेडर है, मार्केट में मे भी 10 लाख ट्रेडर है, डजेंट मैटर, चाहे 5 लाख हो 10 लाख हो, कॉन्सेप्ट इसी तरह से काम करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 10, 6 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, 4 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो 6 प्लस 4 10 एंड 10 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट,
लेकिन ओवरऑल हम इसको बोलेंगे 10 कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर किस तरह से ये चीज होता है, इसको समझने वाला बात है सर, ठीक है, समझ। इसको 10 क्यों बोलेंगे, इसको इसको 20 क्यों नहीं बोल सकते, समझाता हूँ सर। मंगलवार को नेहा नेहा जो है सर वो अपना 8 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहता है मंगलवार, wants to get rid of 8 contract out of the 10 contract she holds. जितना contract वो hold कर रहा था, 10 contract hold कर रहा था, नेहा ने short किया था, उसमें से वो 8 contract square off करना चाहता है, मतलब वो already वो नेहा ने 10 contract में sell करके रखा था, 8 contract अभी छोड़ के जाना चाहेगा, तो क्या करेगा, buy करेगा, है ना? तो which she does, John comes, अब इसको करने के लिए उसको किसी को sell करना, मतलब कोई उसका share खरीदे, ये जरूरी है, वो sell किया है, hold करके रखा है, लेकिन कोई buy करेगा तब ना, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि वो ही बाई कर लेगा तो कोई खरीद में आएगा, सिंपल इतना समझो। तो जॉन कम्स इनटू द मार्केट, अब मार्केट में जॉन नाम के ट्रेडर आ गया और 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया, 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया। अब आपको यहाँ पर लग रहा है यू मस्ट रियलाइज दिस ट्रांजेक्शन डिड नॉट क्रिएट एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो जॉन आके नेहा का कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसमें एक्चुअली कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, इट वॉज सिंपल ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Hence, the open interest will still stand at 10 and Tuesday's transactions क्या बनेगा वो देखो सर। अब ये देखो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट को जरा देखो और मैचिंग करने का कोशिश करो, कुछ मैचिंग होगा यहाँ पर, कैसे मैचिंग करना होगा सर, मंडे वाला हालत देखो, मंडे में अर्जुन के पास 6 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था जो होल्ड करके रखा हुआ था, वरुण के पास 4 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था वो भी होल्डिंग में था, नेहा के पास 10 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो भी होल्डिंग में था। मंगलवार आ जाओ, ट्यूसडे को आ जाओ, ट्यूसडे में वरुण और अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन नेहा ने आउट ऑफ 8 मतलब उसके पास टोटल 10 था, टोटल 10 कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से 8 कॉन्ट्रैक्ट उसने बाई कर लिया, मतलब स्क्वायर ऑफ कर लिया। अच्छा जब जब ध्यान से सुनना बात को, ये कैसे होता रहता है, ये एक प्रोसेस है, एक फ्लो चार्ट है ये, जो मार्केट में रैंडमली होता रहता है। हम लोग यहाँ पर 4-5 लोगों के बीच में देख रहे हैं, मार्केट में ऐसा 50, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लोगों के बीच में होता रहता है। नेहा अपना 8 शेयर तो 10 में से 8 शेयर क्लोज करना चाहता है, तो स्क्वायर ऑफ करना चाहता है, गेट रिड ऑफ मतलब क्या, अपना पोजीशन को क्लोज करके निकल जाना चाहता है, ठीक है, मे बी उसको और कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको लग रहा है ज्यादा होल्ड करेंगे तो लॉस हो जाएंगे। क्यों ऐसा सोचता है लोग, क्योंकि ज्यादा होल्डिंग का रिस्क नहीं लेना चाहता, ज्यादा देर का जितना देर तक होल्ड उतना देर तक मार्केट का रिस्क सहना होगा, ठीक है, तो ज्यादा रिस्क जिसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क मतलब ना लेना मतलब प्रॉफिट भी कम होना, ये बात भी ध्यान में रखना सर, ठीक है, क्योंकि जितना आप मार्केट में ओपन रहोगे उतना चांसेस भी बढ़ता है लॉस का भी प्रॉफिट का भी, ये बात तो समझते हो ना। तो 10 में से 8 कॉन्ट्रैक्ट अगर वो छोड़ के जाना चाहेगा तो ये 10-8 कॉन्ट्रैक्ट किसी को बाई करना होगा, सॉरी उसने बाय किया तो किसी को सेल करना होगा तभी ना बाय कर पाएगा। तो नेहा आउट ऑफ 10 जो सेल किया था उसमें से 8 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, तो नेहा का 10 में से 8 चला गया, तो बाकी क्या रहा, 2 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी होल्ड में है, 2 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी होल्ड में है, और इसमें से 8 कॉन्ट्रैक्ट किसने ले लिया, क्योंकि जॉन मार्केट में एंटर किया, लेकिन जॉन यहाँ पर 8 कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं किया सर, सेल कॉन्ट्रैक्ट लिया, मतलब बेसिकली वो शॉर्ट लिया सर, मतलब जॉन ने सेल किया तभी नेहा ने बाई कर लिया, और नेहा का जो 10 कॉन्ट्रैक्ट में से 8 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, बाकी क्या रहा, आउटस्टैंडिंग कितना है, 2। जॉन के पास न्यू 8 शॉर्ट से लगे, जॉन के पास न्यू 8 शॉर्ट से लगे, ठीक है, मतलब ये जॉन के लिए न्यू है, लेकिन मार्केट इसको अलग से समझेगा नहीं सर, मार्केट के लिए आउटस्टैंडिंग 10 था 10 ही रहेगा, क्योंकि नेहा और जॉन के बीच में जो हुआ है ये सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि नेहा का भी शॉर्ट सेल था मतलब शॉर्ट पोजीशन था, जॉन ने भी शॉर्ट पोजीशन लिया है, तो ये जो 8 शॉर्ट पोजीशन आया है ना मार्केट के लिए ये कोई न्यू ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हिसाब लगाओ आप, टोटल अर्जुन का था 6 लॉन्ग 4 लॉन्ग, ठीक है, वरुण का भी 4, नेहा 2 आउटस्टैंडिंग है और जॉन का 8, तो कुल मिला के इन लोगों का बाइंग पोजीशंस में है, इन लोगों का लॉन्ग मतलब सिंपल अगर मैं ऐसा बोलूं, कुछ लोग बाई पोजीशंस में है 2 लोग, सेल पोजीशंस में है 2 लोग, इधर भी है 10
इधर भी है 10, ठीक है, लेकिन मार्केट इसको बाई और सेल दोनों मिला के 10 ही मानेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट करेगा तभी ना, क्योंकि सेल एडजस्ट करना पड़ेगा, जीरो सम गेम है, मार्केट इज ऑल अबाउट जीरो सम गेम। थोड़ा और बढ़ने दो आगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगा, थोड़ा सा और डेज बढ़ने दो, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। मैं क्या बोला सर, बोरिंग नहीं होना है, पहले देखते रहो फिर कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, पेशेंसफुल रहो, समझ में आ जाएगा। आ जाओ सर बुधवार को, नंबर ऑफ डेज जितना बढ़ेगा पोजीशन उतना खुलेगा, जितना पोजीशन खुलेगा उतना ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट होगा। अच्छा अब हालत देखो सर, एक बार ये वाला चीज थोड़ा दिमाग में रख लो, मार्केट में कितना लॉन्ग पोजीशंस है और कितना शॉर्ट पोजीशंस है, ये थोड़ा दिमाग में रख लो सर, बस इतना समय आप लोगों को दिमाग में रखने के लिए बोलूंगा। नेहा और जॉन का शॉर्ट है, अर्जुन एंड वरुण का लॉन्ग है, इतना याद रख के आगे बढ़ सकते हैं ना सर। हाँ अर्जुन वरुण लॉन्ग में है 6 और 4, नेहा एंड जॉन 2 और 8 शॉर्ट हालत में है। ये मंगलवार का क्लोजिंग सिचुएशन है, मंगलवार का ट्यूजडे कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग सिचुएशन है। अब वेडनेसडे में जब हम लोग रीच कर रहे हैं, अब देखो सिचुएशन किधर जाता है। अब हमें पता है नेहा और जॉन मिला के 8 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे हैं, जॉन का भी न्यू, जॉन के दिमाग में कुछ और आ गया, जॉन वांट्स टू ऐड 7 मोर शॉर्ट पोजिशन। जॉन के पास ऑलरेडी 8 था, जॉन चाह रहा है कि मैं और 7 शॉर्ट करना चाहता हूँ। वाइल एट द सेम टाइम बोथ अर्जुन एंड वरुण डिसाइड टू इंक्रीज देयर लॉन्ग। जब जॉन सोच रहा है कि मैं और पोजिशन लेना चाहता हूँ शॉर्ट में, तब वरुण और अर्जुन सोच रहा है कि हम इंक्रीज करना चाहते हैं लॉन्ग में। मतलब सिंपल बात है, अर्जुन और वरुण चाहता है बाइंग बाई खरीदना, ठीक है, और जॉन चाह रहा है 7 शॉर्ट पोजिशन लेना। तो आप यहाँ पर देखो खेल क्या होता है, हिंस जॉन सोल्ड 3 कॉन्ट्रैक्ट टू वरुण एंड 2 कॉन्ट्रैक्ट टू वरुण। तो बेसिकली ये जो मतलब सेटलमेंट होगा, अर्जुन एंड वरुण, अर्जुन 3 बाई करना चाहता है मतलब लॉन्ग पोजिशन, और वरुण 2, ठीक है। तो ये जो 3 और 2 5 न्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये न्यू 5 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, और ये न्यू 5 कॉन्ट्रैक्ट किससे एडजस्टमेंट हुआ है, जॉन के साथ। तो नेहा डिसाइड टू क्लोज आउट हर पोजिशन। अच्छा अब और एक चीज है, नेहा के पास अभी भी 2 शॉर्ट था, नेहा उसको छोड़ के निकलना चाहता है। तो सी इफेक्टिवली ट्रांसफर 2 ऑफ हर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट टू जॉन एंड हिंस नेहा होल्ड नो मोर कॉन्ट्रैक्ट। नेहा मार्केट से आउट हो गया, नेहा मार्केट में आउट, जॉन 7 कॉन्ट्रैक्ट और न्यू लेना चाह शॉर्ट पोजीशंस पे, और अर्जुन एंड वरुण न्यू बाइंग कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस पे, एक जन 3 और एक जन 2 बाइंग कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस लेना चाह रहा है। अब ये पूरा सिचुएशंस को देखते हुए बुधवार का मार्केट कंडीशंस क्या रहेगा, बुधवार का मार्केट कंडीशंस क्या रहेगा, और बुधवार को मार्केट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग या ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, ध्यान से देखना। यू ऑल नो अबाउट मंडे सिचुएशंस, आपको मंगलवार का भी सिचुएशंस पता है, बट सर बुधवार अभी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझ जाओ, अभी समझ में आ जाएगा सर, प्लीज टेल मी। मैंने क्वेश्चन, अच्छा बोल बोल बोल, बोलछि कि যে এখানে যে 5টা কন্ট্রাক্ট হয়েছে নতুন, ওটা হচ্ছে অর্জুন আর বরুণ আছে, ও হচ্ছে বাই আর জন সেল করেছে, এটা নতুন, ঠিক আছে, কিন্তু এই নতুন 5টা কন্ট্রাক্ট আবার নতুন করে জেনারেট হয়েছে কার কাছ থেকে হয়েছে, এটা এটা বুঝতে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি, সেটাই বলছি, দেখ অ্যাডজাস্টমেন্ট কিভাবে হচ্ছে, এসেন্স একুনি বুঝতে পারবে। জন যে নিউ 7 কন্ট্রাক্ট লেনা চাহতা হ্যায়, জন কে পাস অলরেডি 8 कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन क्या था बाई, मतलब लॉन्ग था कि शॉर्ट था, पहले ये बता मुझे, मंगलवार को शॉर्ट था। अच्छा जॉन जो न्यू पोजीशन लेना चाहता है एक्स्ट्रा 7, वो शॉर्ट लेगा कि लॉन्ग लेगा, शॉर्ट लेगा, शॉर्ट लेगा। तो जॉन ने जो 7 शॉर्ट पोजीशंस लिया है, मतलब बेसिकली सेलर बना है, सिंपल बात है। तो अगर जॉन सेलर बना है 7 स्टॉक में, तो उल्टा साइड में किसी को तो बाई करना होगा, है ना, ऑपोजिट साइड में किसी को तो बाई करना होगा। अच्छा ये सेलर बना है, तो यहाँ पर बायर कौन बना है, देखिए इसके साथ के साथ इधर 3 लॉन्ग हो रहा है, तो ये सेलर बन रहा है, तो कोई बाई कर रहा है, ठीक है, तो अर्जुन बाई कर रहा है। हाँ बोल, बुझेगा मैंने कितना भाव जिला मुझे नंबर गुली जा चिलो, ठीक है। अर्जुन, अर्जुन ने 3 लॉन्ग बाई किया, वरुण ने 2 लॉन्ग बाई किया, और नेहा ने बाई नहीं किया, एक्चुअली नेहा बाई किया, बट नेहा का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि नेहा के पास भी तो शॉर्ट था, तो शॉर्ट जब शॉर्ट के पास आता है
नेहा ने बाई करके निकल गया, नेहा बाई करके अपना पोजीशन क्लोज करके अपने आप को जीरो कर दिया। नेहा के पास और कोई पोजीशन नहीं है, तो नेहा ने जब दो कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया, बेसिकली नेहा का दो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जॉन के पास शिफ्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर, और इस ट्रांसफर में कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि ये जस्ट पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। जब कोई अपना शॉर्ट पोजीशंस अपने दूसरे शॉर्ट शॉर्ट पोजीशंस होल्डर को देता है तो उसमें पोजीशन चेंज होता है, उसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बट जब सेल के साथ बाई आ जाता है तो इसमें देखो, इसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट 5 बना है जो अर्जुन और गरुण ने किया। तो पहले से 10 कॉन्ट्रैक्ट था और ये जो न्यू 3+2 हुआ है इसमें 5, तो 10+5 करके अभी जो ओपन इंटरेस्ट है या आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना है दैट इज 15। अभी बताओ सर, किसी को कोई डाउट? अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, संभव चौथा सभी को पूछ रहा हूँ। पीयूष बोलो, सुमित, एनी डाउट सर? ये 15 कैसे आया? एंड इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना था कि यहाँ पर जो बाइंग बना था ना सर, ये बाइंग ही कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप किया इस 7 के साथ, और ये जो 2 है ये भी 7 के साथ ही एडजस्ट हुआ है। बट क्योंकि शॉर्ट सेल शॉर्ट सेलर को दिया है, शॉर्ट सेलर ने शॉर्ट सेलर को दिया है, ऑब्वियसली उसने बाय करके अपना पोजीशन क्लोज करके खाता खत्म करके बंद करके इस मंथ के लिए चला गया, वीक के लिए बंद कर दिया, लेकिन ये पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, इसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बुझा कैसे है दादा? बुझे बाकी तेरा आवाज पहुंची नहीं चंपा तथा सब क्लियर है सर? So by the end of Wednesday there are 15 long, मतलब अभी अभी का सिचुएशन क्या है मार्केट में? 15 long है। कैसे? अभी देखो 15 long कॉन्ट्रैक्ट है आपका अर्जुन का और वरुण का, 9 long एंड 6 long, ठीक है, और 15 short। तो अल्टीमेटली 15 long के लिए 15 short अवेलेबल, तो मार्केट क्या है, मार्केट एडजस्ट करते हुए चलेगा। अगर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 15 है तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 15, क्योंकि मार्केट को लिक्विड रखना है ना, तभी तो मार्केट अपने आप को चल पाएगा। और मार्केट का पूरा खेल ही है जीरो सम गेम, आपको पता है ना, ये चीज मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर इफ देयर इज अ बायर देन देयर मस्ट बी अ सेलर, ठीक है, तो बायर सेलर रहेगा तभी मार्केट रहेगा, नहीं तो मार्केट एग्जीक्यूशन कैसे करेगा? आप बोलो मार्केट, मतलब एक सिंपल सोचो आप, ये तो स्टॉक मार्केट है। अब नॉर्मल मार्केट में सोचो, दुकानदार दुकान खोल के बैठा हुआ है लेकिन कोई बायर नहीं है, तो सेलर कैसे चलेगा? तो सेलर बायर का ये जो खेल है ना मार्केट में, ये हर मार्केट आपको देखने को मिलता है, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, फिश मार्केट हो, ग्रोसरी मार्केट हो, एनी काइंड ऑफ मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, तो होल तो पूरा गेम ही जो है वो जीरो सम गेम का, मतलब जीरो सम गेम तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पैटर्न है, और बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी जो बोलना चाहते, कोई बुजुर्गी वाला बात नहीं है, पूरा दुनिया का। मैं कभी आप लोगों को बता रहा था ना कि पूरा खेल ही है जीरो का, पूरा खेल ही है जीरो का, मतलब ये जो जीरो सम गेम के बारे में बोल रहे हैं ना, अभी मैं आपको आता हूँ जीरो सम गेम में, रुक जाओ थोड़ा, लेकिन उससे पहले थर्सडे में आ जाते हैं सर। अ बिग गाय, मतलब अभी बड़ा आदमी मतलब पैसा वाला, ठीक है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है सर, 25 कॉन्ट्रैक्ट लेने आ रहा है। जॉन डिसाइड टू लिक्विडेट 10 कॉन्ट्रैक्ट, जॉन 10 कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडेट करके मार्केट छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है, जॉन को अभी और इंटरेस्ट नहीं लग रहा, मतलब जॉन को अभी और मतलब मार्केट में रहने का मन नहीं है, होल्ड करने का मन नहीं है, लेकिन नॉट दी पूरा में नहीं, 10 कॉन्ट्रैक्ट में, 15 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करना चाहेगा, 10 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहेगा। तो नाउ इट्स बाइंग 10 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विक्रम, तो उसने क्या किया, 10 कॉन्ट्रैक्ट विक्रम से ले लिया, इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग हिज 10 कॉन्ट्रैक्ट टू विक्रम, अर्जुन एड्स 10 मोर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विक्रम, अर्जुन ने भी 10 कॉन्ट्रैक्ट विक्रम से लिया, एंड फाइनली वरुण डिसाइड टू बाय द रिमेनिंग 5 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विक्रम। इन समरी 15 न्यू कॉन्ट्रैक्ट गॉट एडेड टू द सिस्टम एंड ओपन इंटरेस्ट अभी हो गया 30 का। लुक एट सर, कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत सिंपल हो रहा है सर। देखो बुधवार तक का खेल पता था, वेडनेस तक का क्या था सिचुएशन हमें पता समझ में आ गया था, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अर्जुन ने 10 लॉन्ग करना चाहता है, वरुण 5 लॉन्ग न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, ठीक है, और जॉन अपना 10 पोजीशंस को क्लोज करना चाहता है, क्योंकि जॉन के पास 15 शॉर्ट था, आउट ऑफ 15 शॉर्ट वो 10 पोजीशंस को बाई कर लिया, मतलब 15 में से 10 चला गया, जॉन का 15 में से 10 चला गया, तो जॉन के पास क्या बचेगा,
पांच शॉट बचेगा, इसीलिए देखो बचा हुआ है, सिंपल प्लस माइनस है, पांच शॉट ही पड़ा हुआ है ना। अब विक्रम जो न्यू मार्केट में बड़ा पार्टी आया है सर, 25 शॉट पोजीशंस लेके आ रहा है। तो देखो इसके 25 शॉट के साथ इधर अर्जुन का 10, वरुण का 5 और जॉन का जो 10 शॉट पोजीशंस ट्रांसफर होके आ गए हैं, और जॉन अभी भी 5 शॉट में है, पूरा क्लोज नहीं हुआ है। विक्रम जो न्यू बड़ा पार्टी आया है मार्केट में, 25 शॉर्ट पोजीशंस लेके मार्केट में है। तो इधर 25 शॉट, ठीक है, इधर 25 शॉट और इधर जॉन का 5, ठीक है, और इधर अर्जुन का 19 और वरुण का 11, ठीक है। कैसे आया, यहाँ से आ गया सर, जैसा चल रहा था उसी हिसाब से। ये 10 लिया, अभी न्यू बाई है इसका, ठीक है, 10 और 9, और इधर 6 था और 5 आया, तो 6 प्लस 5 10 प्लस 9 9 एंड 11 30, और इधर 30, इधर भी 30 हो गए, মানে इधर भी 30 है। हाँ बोल। বলছি কি নতুন যে কন্ট্রাক্ট গুলো জেনারেট হচ্ছে ওটা ওই লং আর শর্ট এর মধ্যেই হবে, তাই তো? यस, নতুন যে, লং और শর্ট के बीच में ही एडजस्टमेंट होगा। वो मार्केट मतलब एक्सचेंज जो होता है सर, एक्सचेंज किसी भी तरह से बायर और सेलर के कितना पोजीशन ओपन है उसी के अंदर एडजस्टमेंट करेगा। मतलब न्यू, मतलब ऐसा न्यू कहाँ से करोगे? मतलब अगर देने वाला है तो बेचने वाला चाहिए, खरीदने वाला है तो बेचने वाला चाहिए। बात समझ रहे हैं सर? ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, মানে ওপেন থাকলে তবেই হবে, না হলে কিন্তু হবে না। আমি একটা এরকম বানিয়ে চার্ট বানিয়ে তোমাকে সেন্ড করবো। আচ্ছা, অবভিয়াসলি নিশ্চয়ই গ্রুপে শেয়ার করতে পারিস। ফ্রাইডে আ গেছে বিক্রম, ডিসাইড টু স্কোয়ার অফ 20 এন্ড 25 কন্ট্রাক্ট এন্ড হি হ্যাড সোল্ড প্রিভিয়াসলি। বিক্রম ডিসাইড টু স্কোয়ার অফ 20, বিক্রম অভি আপনা 20 শেয়ার স্কোয়ার অফ করকে জানা চাহতে হ্যায়, জো পজিশন থা উসকো সুনো। और अभी देखो फ्राइडे आ गए, मतलब हम लोग वीकेंड में आ गए सर, ठीक है, वीक का लास्ट डे है, तो देख लेते हैं। तो विक्रम डिसाइड टू स्क्वायर ऑफ 20 ऑफ द 25 कॉन्ट्रैक्ट ही हैड सोल्ड प्रीवियसली, सो ही बाइज 10 कॉन्ट्रैक्ट ईच फ्रॉम अर्जुन एंड वरुण। तो वो क्या करेगा, अर्जुन और वरुण से बाई कर लेगा, क्योंकि क्लोज करेगा तो क्या करेगा, जो सेलर बना हुआ था उसको अगर क्लोज करना है तो बायर बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जो बायर बना हुआ था उसको स्क्वायर ऑफ करना है तो सेलर बनना पड़ेगा, और ये सिस्टम चलता रहता है मार्केट में। दिस मींस 20 कॉन्ट्रैक्ट इन सिस्टम गॉट स्क्वायर्ड ऑफ, हेंस ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस बाय 20 कॉन्ट्रैक्ट। अब न्यू ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा 30 माइनस 20 10, सर देखो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, कम हो गया, क्योंकि सिस्टम छोड़ के जा रहा है सर। देखो कैसे हुआ, फ्राइडे में आ जाओ, ठीक है, फ्राइडे में क्या हुआ, अर्जुन एंड वरुण 10 शॉर्ट सेलिंग, इधर भी 10 शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, नया मार्केट में है नहीं, नया का पिक्चर नहीं। जॉन के पास 5 शॉर्ट सेलिंग, अभी भी वो होल्ड पे है, जॉन ने कभी अभी तक कुछ किया नहीं। लेकिन विक्रम जो है, जो आया था बहुत तेजी से, जाने का भी इच्छा रख रहा है, 20 लॉट मतलब 20 लॉन्ग पोजिशंस को वो छोड़ के जाना चाहता है। तो ये जो अपना 20 लॉन्ग पोजिशंस छोड़ के जाना जाना जाता है, तो बेसिकली वो 25 शॉर्ट में से 20 को लॉन्ग करके स्क्वायर ऑफ कर रहा है। तो 25 में से 20 को लॉन्ग करके स्क्वायर ऑफ कर रहा है, तो किसके साथ करेगा? ये 20 इधर से ये बाई कर रहा है, तो कौन सेल कर रहा है? ये बाई कर रहा है तो कौन सेल कर रहा है? अर्जुन और वरुण कर रहा है, एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी मार्केट में मैचिंग मिलेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर देगा। अब ये इस तरह से इनके बीच में हो गया। अब सिचुएशन देखो, आप इधर 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर भी 9 और 1 10, तो इधर भी 10 कॉन्ट्रैक्ट पड़ गया, 10 लॉन्ग में है 10 शॉर्ट में है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट 10 में हो गया, और 30 में से 20 चल क्यों गया, क्योंकि ओवरऑल 30 था, और 30 में से 20 अगर चला जाएगा तो पड़ा क्या रहेगा, 10 ही पड़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी 10 हो गया, तो ओपन इंटरेस्ट अभी 10 लेवल में आ गया, और इसी तरह से हर मंथ का हर वीक का ऐसा चलता रहता है। चलती का नाम है गाड़ी, कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी चलती का नाम कॉन्ट्रैक्ट, सो एंड सो फोर्थ। I hope the above discussion is giving you a fair sense of what open interest is all about. बहुत किस्से कहानी आप लोग जरूर सुने होंगे, ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट, लेकिन अब इस किस्से कहानी से क्या समझ आ गया, कैसे बना ये तो देख रहा है, ऐसे ही बनता है। अब इसमें ऐसा एक विक्रम नहीं हजारों विक्रम होता है, एक जॉन नहीं हजारों जॉन होता है, एक वरुण और अर्जुन नहीं ऐसे हजारों लाखों अर्जुन वरुण हो सकता है, ठीक है। The open interest information just indicates how many open positions are there in the market.
And here is something you should have noticed by now. In the contract held column, if you sign positive sign, अगर contract held में अगर positive sign दिखे, ठीक है, क्या समझ में आएगा? ये जो contract held का जो है ना, अगर positive sign दिखता है तो समझ जाना कि कई जगह में जैसे यहाँ पर रेड और ब्लू है, तो पॉजिटिव साइन मतलब लॉन्ग पोजिशंस में है, मतलब बाई करके रखा है, नेगेटिव साइन मतलब शॉर्ट पोजिशंस में है, ठीक है, एंड एड अप लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस, इट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर आप इसको प्लस माइनस करोगे, मतलब सिंपल कहना चाहता है, ये जो ग्रीन पोजिशंस है और ये जो लाल पोजिशंस है, इसको प्लस प्लस साइन दो, इसमें प्लस दो, इसमें माइनस दो, तो इधर प्लस इधर माइनस अल्टीमेटली जीरो ही बनेगा, और ये बनना है, ये पूरा ब्रह्मांड का नियम चल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। हम लोग सोचते हैं कि कुछ टूट जाता है ना, मतलब सिंपल बंगाली में बोले सर, सिंपल बंगाली में क्या होता है कि भांगा एंड बौड़ा, ठीक है, भांगा बौड़ा समझते हो, मतलब कोई चीज बिल्डअप होना और किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होना, हमें लगता है डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे जब जब ह्यूमन बींग का इस दुनिया से हम लोग जब मर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग कुछ खो दिए, कोई किसी का रिश्तेदार खो लिए, कोई अपना बेटा, कोई अपना माँ, कोई अपना पापा, सब कुछ से, थोड़ा अल्टीमेट ट्रूथ में बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सब चला गया, लेकिन एक्चुअली इसका जो बिगर ट्रूथ है, कुछ जाता नहीं है, सब कुछ अल्टीमेटली इस यूनिवर्स के अंदर गोल 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 फॉर्मेशन भी घूमता रहता है। इसीलिए आप लोग शायद सुने होंगे बचपन से कि सर थोड़ा स्पिरिचुअल साउंड करेगा आप लोगों को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बहुत सिंपल बात है, ऐसे सुनने को मिलता होगा कि जो आत्मा होता है, जिसको हम लोग बंगाली में बोले आत्ता अविनश्वर, ठीक है, मतलब जो आत्मा है वो अविनश्वर है, अविनश्वर मतलब होता है कि जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, बट ये जो शरीर है, वो शरीर जो है ये नष्ट होता है, तो ऐसे कहा जाता है, आप लोग शायद सुने होंगे। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आत्मा है वो जीरो है, और बॉडी जो है वो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो अल्टीमेटली जीरो में जाके मिल जाता है, जिसको स्पिरिचुअल थिंकिंग में परमात्मा कहा जाता है। सर जरूरी नहीं है ये सब ज्ञान मत बांटो, सर ज्ञान नहीं था ये, जीरो सम गेम का ही खेला है, ठीक है, जो समझ गया ब्रह्मांड को, तो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन इसका मैथ्स के पीछे आजकल मैं कभी कभी थोड़ा समय देता हूँ, ये मैथ्स है क्या, तो तब ये सब चीज थोड़ा सा मैं डिस्कवर कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि अल्टीमेटली सब कुछ जीरो होके ही निकलना पड़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, कभी बात करेंगे जीरो इन्फिनिटी पे, छोड़ो सर, तो जीरो सम गेम सर होगा ही होगा, ठीक है, ये छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं है, इवन इंसान का जिंदगी भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है सर, छोड़ दो सर, माथा में नहीं जा रहा है, ओके, मैं भी प्रेशर नहीं देना चाहता, आ जाओ निफ्टी में आ जाओ, ये कहाँ आ गए हम, यहाँ चलते चलते देखो, जब आपके सामने निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, ये ओल्ड ओल्ड एनएससी साइट से ऐसा डेटा मिलता था, और नहीं मिलेगा, आजकल तो डेटा पैटर्न चेंज कर दिए, ठीक है, ओल्ड एनएससी साइट से ऐसा डेटा पैटर्न मिलता था, हम लोग लास्ट क्लास तक भी देख रहे थे, बट आगे से नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सिस्टम पैटर्न बंद कर दिया है। वेरी गुड सर, एनएससी का इच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन आप देखो ये पुराना डेटा से ये पता चल रहा है कि निफ्टी चल रहा था कितने में थे भाई, निफ्टी चल रहा था 2015 मार्च में, 2015 के मार्च के टाइम पे निफ्टी का मार्केट प्राइस चल रहा था, नहीं मार्केट प्राइस मतलब निफ्टी का 26 मार्च का प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस तो था 8955 करके, ठीक है, और मार्च फ्यूचर चल रहा था 8993 करके, ठीक है, लेकिन हमें अभी प्राइस वगैरह में नहीं जाना है, हमें देखना है ओपन इंटरेस्ट पे, लुक एट सर, दिखाई दे रहा है क्या, प्लीज टेल मी, देखा जा लो ओपन इंटरेस्ट का डेटा कितना करोड़ होगा रे, बोलो 3, 4, 5, 6, 7, 8 2.78 करोड़ तो मुझे दिख रहा है, मतलब अप्रोक्स ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है, दिखाई दिया सर, बोलो सर, दिखते पास नहीं, ये सर नो आई एम पूछते वाला हमने कब, ओके अच्छी कोटि आटा, ओके ओके, 2 कोटी आटा तुम लोग, थैंक यू सर, एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 55525,
मतलब सर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अच्छा उसका परसेंटेज जो है वो बेसिकली 55225 डिवाइडेड बाय 2.78 करोड़ करोगे तो 0.20% ओपन इंटरेस्ट चेंज परसेंटेज। नाउ ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपको मार्केट के ऊपर फोकस करने बोल रहा है और ट्रेड पोजीशंस पे हेल्प करता है बहुत। तो 4 मार्च 2015 को जो हुआ था उसके बेसिस में आप आज का मार्केट को भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था उसको समझो, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। सेम पैटर्न 2015 में क्या 2045 में भी सेम यूज होगा, ठीक है। 2015, 25, 45 मतलब 2100 भी आ जाएगा तो भी बात चेंज नहीं होगी। हाँ, कुछ न्यू मेथड आ सकता है मे बी। तो एज ऑफ 4 मार्च 2015 ओपन इंटरेस्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर इज रफली 2.78 करोड़। इट मीन दैट देयर आर 2.78 करोड़ लॉन्ग निफ्टी पोजीशंस एंड 2.78 करोड़ शॉर्ट निफ्टी पोजीशंस। सो एक ही बात है, 2.78 करोड़ का मतलब यही है कि 2.78 करोड़ में बाइंग पोजीशंस अवेलेबल है, 2.78 करोड़ में शॉर्ट पोजीशंस भी अवेलेबल है। ठीक जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, अगर लास्ट जब मार्केट क्लोज हुआ था 10 पोजीशंस अगर ओपन है लॉन्ग में तो 10 पोजीशंस ओपन है शॉर्ट में, वैसा ही बात। सो ऑल्सो अबाउट 55 to 55 क्या है, ये बेसिकली 0.22% जो आए हैं 2.7 जैसे हमको दिखाया। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एडेड टुडे, ठीक है। मतलब ये 55,255 जो है ये लास्ट दिन से आज के डेट में कितना चेंजेस हुआ जो ऐड हुआ, जो हम लोग देख रहे थे कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऐड हो रहा। तो ओपन इंटरेस्ट इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लिक्विड द मार्केट इज। बिगर द ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा मोर लिक्विड द मार्केट एंड हेंस इट विल बी इजियर टू एंटर और एग्जिट ट्रेड्स एट कॉम्पिटिटिव बीड और आस्क रेट। अगर जितना मार्केट ओपन इंटरेस्ट हाई रहेगा उतना मार्केट लिक्विड होगा। लिक्विड मतलब इजीली बाय इजीली सेल, लिक्विड का मतलब यही होता। मतलब ऐसा ना हो कि आपने बाय किया पर सेल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इजी बाय एंड सेल का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है लिक्विडिटी से, और ये लिक्विडिटी आपको ओपन इंटरेस्ट से समझ में आता है, ठीक। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कॉन्ट्रैक्ट में, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आप इस तरह से देख सकते हो, जो मैं आपको एनएसई के साइड से शुरू से दिखाने का कोशिश कर रहा था। ये रहा आपका ओपन इंटरेस्ट, जैसे ये लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट जो रहा है अप्रैल का, अप्रैल फ्यूचर का 2,28,397, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा। अच्छा, चेंजेस भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए क्या यहाँ पर कोई क्लिक करने का मौका मिलेगा? चेंज परसेंटेज चेंज दिया है सर, ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज चेंज नहीं दिख रहा मुझे। ये परसेंटेज चेंज है प्राइस का परसेंटेज चेंज है, बट ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज चेंज पर मुझे नहीं दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, तो ठीक है, करेंटली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है सर न्यू में। मैं देखता हूँ कि सिमिलर चीज कैसे मिलेगा, व्यू ऑल करने से मिलेगा क्या? रिकॉर्ड फाइंड नहीं हो रहा। मोस्ट एक्टिव अंडरलाइन, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है सर, आपको अभी करेंटली जितना जरूरी था मैं बताया, बाकी आपको एनएसई के साइड से कैसे डेटा और आपको अवेलेबल हो सकता है इसके बारे में, ये न्यू साइट का मेरा थोड़ा सा चर्चा कम रहता है। अगर आप लोग खुद भी सर्फिंग करके निकाल सकते हो, मैं बाद में देख के भी बता दूंगा क्या, ठीक है। मुझे जैसे खुद को मिलेगा मैं भी आप लोग को शेयर कर लूँगा। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन, अच्छा प्लीज टेल मी सर, ओपन इंटरेस्ट समझ में आया? हाँ दादा, देखिए हमें एक कथा बोलो, जे এখানে 2.78 करोड़ আছে ওপেন ইন্টারেস্ট, মানে 2.78 करोड़ হচ্ছে বাই আর সেল দুটোই পজিশনে আছে এখন। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। মানে 2.78 करोड़ বাইং পজিশনস ও মানে মার্কেট ওপেন আছে আর 2.78 करोड़ সেল পজিশনস ও মার্কেটে ওপেন আছে, মানে কেউ সেল নিয়ে আছে কেউ বাই নিয়ে আছে। আর যদি কোনো বাই বাই পজিশন বেশি থাকে সেল পজিশন কম থাকে, তার মানে ওই যে কমন যেটা সেটা হচ্ছে ওপেন ইন্টারেস্ট। না তুই যেটা বলছিস, আমি एग्जांपल দিয়ে বলছি, 10টা লং এ আছে আর 8টা শর্টে আছে, হ্যাঁ, তার মানে কি ওই
টাই হচ্ছে ওপেন ইন্টারেস্ট হবে। 10টা লং এ আছে, 8টা শর্টে আছে, ফাইনাল পজিশনে অলওয়েজ সেম হতে হবে। তো ও হ্যাঁ ফাইনাল পজিশন, ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝে গেছি। ফাইনাল ফাইনাল পজিশন অলওয়েজ সেম হতে হবে, তো মানে যতগুলো বাই হবে ততগুলো সেলারও থাকতে হবে। তো মানে ঠিক আছে ইটস জাস্ট লাইক এ সিম্পল মার্কেট, তুই বাই করেছিস পেমেন্ট করিসনি, কেউ তোকে সেল করেছে, তবেই না। সে তো অবশ্যই, বেসিক্যালি কন্ট্রাক্ট এখনো কমপ্লিট হয়নি, তুই এখনো পেমেন্ট করিসনি, মানে বেসিক্যালি অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট দিস ইজ লাইক আ এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট, কি তথা তাই তো রে? হ্যাঁ কন্ট্রাক্ট কমপ্লিট হলে তারপরে 10টা 10টা হয়ে যাবে, তার আগে কোনো কন্ট্রাক্ট থাকছে না। হ্যাঁ স্যার, আউটস্ট্যান্ডিং আউটস্ট্যান্ডিং, ইটস আ এক্সিকিউটরি, ইটস নট আ এক্সিকিউটেড, আবি তো কমপ্লিট নেই হুয়া, ইসকো হম লোগ এক্সিকিউটরি হালত মে বোলেগে, মতলব আবি দোনো পার্টি মে ডিল হুয়া হ্যায়, কন্ট্রাক্ট ভি বন গিয়া, লেকিন দোনো তরফ কা কাম আবি বাকি হ্যায়, জব তক এক্সপায়ারি নেই আয়েগা, ইয়া ফির জব তক কোই পার্টি কন্ট্রাক্ট কো ক্লোজ করকে জানে জাতা নেই, স্কোয়ার অফ নেই কর লেতা হ্যায়, তব তক কন্ট্রাক্ট ওপেন, আর জব তক ই ওপেন হ্যায় উসকো হম লোগ কন্ট্রাক্ট কি ভাষা মে বোলতে হ্যায় এক্সিকিউটরি সিচুয়েশন, আর এক্সিকিউটরি সিচুয়েশনস পে জব expired ho jayega tab usme execution executed aa jayega, jab executed ho jayega maybe overall contract matlab open interest jo market ka hai wo pehle maan le 30 tha, ab 30 se niche gir ke 10 bhi ho sakta hai, 0 bhi ho sakta hai, ya fir 5 bhi ho sakta hai, matlab jitna open rahe, jitna open rahe, theek hai। ab ab is pe tum logo ke mann mein do cheez confusion create karta hai non money trader ko, theek hai। जब आधा अधूरा नॉलेज लेके कहीं बार हम लोग पहुंच जाते हैं ना मार्केट में, तो हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, तो तब ना समझ में नहीं आता कि आखिर ओपन इंटरेस्ट क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो ओपन इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन टेल अस हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट आर ओपन एंड लाइव इन द मार्केट, भले करो सुन भी, किंतु वॉल्यूम ऑन द अदर हैंड टेल्स अस हाउ मेनी ट्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड ऑन द गिवन डे, कतगुलो ट्रेड एग्जीक्यूट हो আর ওপেন আছে মানে এক্সিকিউটরি সিচুয়েশনে আছে, এক্সিকিউটরি মিন্স কমপ্লিট নেই, এক্সিকিউটেড মিন্স কমপ্লিটেড অন দি গিভেন ডে, তো ভলিউম অন দি আদার হ্যান্ড টেলস আস হাউ মেনি ট্রেডস আর এক্সিকিউটেড অন দি গিভেন ডে, সে ফর এক্সাম্পল ফর এভরি ওয়ান বাই অ্যান্ড ওয়ান সেল ভলিউম অ্যাডস আপ টু ওয়ান, সেম কনসেপ্ট, একটা বাই একটা সেল ভলিউম কাউন্ট কিতনা হোগা, एक बाय एक सेल वॉल्यूम काउंट होगा वन ना कि टू। एग्जाम्पल 400 कॉन्ट्रैक्ट वेर बॉट एंड 400 वेर सोल्ड, 400 कॉन्ट्रैक्ट बाय हुए थे, 400 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे, तो द वॉल्यूम फॉर द डे इज 400 एंड नॉट द 800। क्लियरली वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट आर टू डिफरेंट, आर टू डिफरेंट by seemingly similar set of information, dono ka information same hai, dono trade se hi apna information lete hain, buyer seller ke contract se hi information lete hain, but ek executed situations ko batate hain aur ek executory situations ko batate hain, isliye dono information to same lete hain par dono ka outcome alag hai। volume counter start from zero at the start of the day, har din ka alag volume hota hai kyunki every day kitna contract execute hoga वो तो उस दिन को पता चलता है, तो हर दिन वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होता है, हर दिन वॉल्यूम जीरो से स्टार्ट होता है, तो वॉल्यूम काउंटर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एट द स्टार्ट ऑफ द डे एंड इंक्रीमेंट एज एंड व्हेन न्यू ट्रेड ऑकर, मींस द वॉल्यूम डेटा ऑलवेज इंक्रीज ऑन इंट्राडे बेसिस, इसलिए वॉल्यूम डेटा इंट्राडे बेसिस में देखा जाता है। हाउएवर ओपन इंटरेस्ट इज नॉट डिस्क्रीट लाइक वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट स्टैक्स अप और रिड्यूस बेस्ड ऑन द एंट्री और एग्जिट ऑफ द ट्रेडर, जो मैं आज आपको अभी कुछ देर पहले सिखा रहा था कि कितना बायर या सेलर एंटर किया, मतलब बायर भी एंटर कर सकता है सेलर भी एंटर कर सकता है ना, तो एंटर और एग्जिट के ऊपर डिपेंड करके ओपन इंटरेस्ट का स्टैक अप मतलब बेसिकली लॉट जो लगता है वो देखने को मिलता है, ठीक, जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कॉन्ट्रैक्ट 10 था, फिर कॉन्ट्रैक्ट 20 हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट 30 हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट 10 भी हो गया, तो ये स्टैक अप होता है, रिड्यूस भी होता है, इंक्रीज भी होता है, entry and exit of traders, in fact for example we have just discussed, let us summarize open and volume information ek saath dekhte hain, chalo abhi open interest pad liya na hum logo ne, volume ka details to in technical analysis class mein karenge kyunki wo day to day trading ke liye chart pattern ko samajhne ke liye bhi bahut zaruri hota hai, but main yahan par abhi chart pattern mein nahi ja raha hu,
बेसिक क्वांटिटेटिव डेटा जिसको यूज करता है मार्केट उसके बारे में बात करें। चलो लुक एट सम कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों सिमिलर इंफॉर्मेशन को ही उठा के काम करते हैं, पर फिर भी दोनों अलग है। मंडे को अजय, वरुण और नेहा मार्केट में आया। अजय ने बाय किया था, वरुण ने भी बाय किया था, पर नेहा ने सेल किया था। दोनों का बाय 10 था, इसका सेल भी 10 था। वॉल्यूम देखा जाए तो 10 है, पर ओपन इंटरेस्ट भी 10 है। ओपन इंटरेस्ट भी 10 है स्टार्टिंग में। मंगलवार नेहा पोजीशन थोड़ा क्लोज कर रहा था, इसलिए 8 पोजीशंस क्लोज कर दिया। जॉन न्यू सेल पोजीशंस लेके मार्केट में आया, जो नेहा से ही ट्रांसफर होके आया। सो ओवरऑल मंगल ट्यूजडे को 8 वॉल्यूम ओवरऑल बना था, क्योंकि नेहा और जॉन के बीच में 8 कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट रहा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में नो चेंज। वीवीआईपी पॉइंट्स, ओपन इंटरेस्ट में नो चेंज, क्यों? क्योंकि जॉन और नेहा के बीच में जो हुआ है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन द सेंस कि वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया है, वो बस मार्केट में ट्रांसफर का काम किया है। क्योंकि नेहा के पास भी शॉर्ट पोजिशन था, नेहा अपना पोजिशन क्लोज करके जाना चाह, तो नेहा आपका 10 पोजिशन में से 8 पोजिशन जॉन को ट्रांसफर कर दिया, जो नेहा के पास 10 शॉर्ट पोजिशन था। ये हम लोग कुछ देर पहले ही देखे ना सर, ये हम लोग कुछ देर पहले ही देखा कि किस तरह से हुआ। तो बार बार हम लोग शॉर्ट पोजिशन से शॉर्ट पोजिशन क्रिएट होगा तो उसमें ट्रांसफर माना जाएगा। नेहा अपना पोजिशन क्लोज करके 8 पोजिशन को क्लोज करके 2 पोजिशन को ओपन रखा था, तो नेहा ने स्क्वायर ऑफ कर दिया था 8 पोजिशन को, लेकिन बदले में जॉन का पोजिशन ओपन हो गया था शॉर्ट में। तो ओपन में नो चेंज, बट वॉल्यूम 8 काउंट हो गया। लेकिन वेडनेसडे वाला सिचुएशन देखो, जॉन नेहा अर्जुन वरुण, जॉन ने सेल किया 7, मतलब 7 पोजिशन लिया, लेकिन जॉन का ये 7 एडजस्टमेंट हुआ, वरुण ने 2 बाय किया, अर्जुन ने 2 बाय किया, और नेहा ने 2 बाय करके अपना जो 2 पोजिशन बाकी था उसको भी कंप्लीट किया, तो ओवरऑल 7 पोजिशन ही क्रिएट हुआ, तो ये 7 वॉल्यूम काउंट हुआ। लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखो 10 और न्यू 5 कॉन्ट्रैक्ट बना ना, 3+2, नेहा का 2 काउंट नहीं होगा सर, नेहा का 2 काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसका ओपन पोजिशन को क्लोज किया जा रहा है, बट अर्जुन वरुण का न्यू पोजिशन बन रहा है, तो 10 और 5 मिलके 15, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बदल गया, लेकिन वॉल्यूम 7 है। थर्सडे को जब विक्रम आया, विक्रम 25 स्टॉक के लिए आया सेल पोजीशंस लेके। अब विक्रम का 25 सेल पोजीशंस मार्केट में 25 वॉल्यूम क्रिएट किया, लेकिन जब विक्रम आया सेल पोजीशंस लेके, ठीक है, तब उसका एडजस्टमेंट किसके साथ हुआ? जॉन के साथ। जॉन ने बाय किया 10, अर्जुन ने बाय किया 10, वरुण ने बाय किया 5, एडजस्टमेंट हो गया था। लेकिन इसमें ये 15 से 30 कैसे हुआ, ये 15 से 30 सॉरी 15 से 30 कैसे हो गया बोलो? विक्रम का जो 25 है इसमें से मोस्ट प्रोबेबली जॉन ने दिया 10 और अर्जुन ने दिया 10 और वरुण ने दिया 5, तो ओवरऑल मार्केट में 15 न्यू पोजीशन क्रिएट हुआ था, जो हम लोगों ने देखा था ओपन इंटरेस्ट में। तो इसलिए मार्केट में, मतलब बेसिकली 25 था, 25 ये कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम में आया, लेकिन ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 30। मैंने जॉनेटा कैलकुलेट है बना था दादा, ओपन इंटरेस्ट जॉनेटा कैलकुलेट होवे ना, ओपन इंटरेस्ट है जो ओपन इंटरेस्ट है कैलकुलेट है बना था बोलछे। हां यस, क्योंकि जॉन ने ट्रांसफर किया था ना विक्रम को। हां, वही जो सिचुएशन हम लोगों ने देखा था वही वाला सिचुएशन से बन रहा है, ठीक है। जो न्यू बनेगा वो आएगा, जो न्यू नहीं होगा वो वॉल्यूम में जाएगा, तो वॉल्यूम 25 ही रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 30 हो जाएगा। अब फ्राइडे वाला सिचुएशन में आ जाओ, विक्रम अर्जुन एंड वरुण। विक्रम ने बाय किया 20, अर्जुन ने सेल किया 10, वरुण ने भी सेल किया 10, तो बाय सेल मिला के 20 बन रहा है ना, बाय सेल मिला के 20, तो 20 वॉल्यूम काउंट होगा, लेकिन मतलब पोजिशन क्लोज जो है स्क्वायर ऑफ जो हो गया, विक्रम ने पोजीशन क्लोज किया बाय करके, अर्जुन ने पोजीशन क्लोज किया बाय करके, है ना। तो सब कुछ देखने के बाद पता चला कि सिर्फ ओपन पड़ा हुआ है 10। सर ये सिचुएशन मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ये जो ओपन इंटरेस्ट का सिचुएशन हम लोग ऑलरेडी इस चीज में देख के आए थे सर, ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि हम लोगों ने फ्राइडे तक का पूरा ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए हैं। उसमें लास्ट में यही पता चला ना कि हमारा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है 10, और वही आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेरा यहाँ पर शो कर रहा है कि फ्राइडे को मेरा आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है 10, बट मेरा फ्राइडे को वॉल्यूम है 20। तो हर दिन मार्केट में डेली बेसिस में जो सेटलमेंट होता है बेसिकली, जो बेसिकली स्क्वायर ऑफ पोजीशन बनता है, एग्जीक्यूट जो होता है बाई सेल में, वही वॉल्यूम क्रिएट करता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट पर्टिकुलर डे में ऑब्वियसली इंपैक्ट करता है, लेकिन वो पहले से जो सिचुएशन है उसके बेसिस में होता है। दोनों का इंफॉर्मेशन सेम है पर दोनों का आउटकम अलग है। तो आपने शायद देखा अच्छे से, ओपन इंटरेस्ट में वॉल्यूम चेंज ऑन ए डेली बेसिस। टुडेज वॉल्यूम हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन टुमारोज वॉल्यूम, पॉइंट टू बी नोटेड। फ्राइडे का वॉल्यूम मंडे को कोई मायने नहीं रखता। हाउएवर इट इज नॉट ट्रू फॉर ओपन इंटरेस्ट। फ्राइडे का ओपन इंटरेस्ट मंडे का मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए स्टैंड अलोन परस्पेक्टिव बोथ वाई एंड वॉल्यूम नंबर आर प्रेटी यूजलेस। मतलब अगर सिर्फ देखो तो इसका एक्चुअल में कोई यूज नहीं है प्रॉपरली, बहुत यूजलेस देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ इसको पर्टिकुलरली देखोगे ना, वॉल्यूम इतना है, कुछ मायने समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एकदम यूजलेस डेटा है। बट हाउएवर ट्रेडर्स जनरली एसोसिएट दिस नंबर्स विद प्राइस टू ड्रॉ एन इंफरेंस अबाउट द मार्केट। नॉर्मली ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर वॉल्यूम के अमाउंट के साथ और ओपन इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ मार्केट प्राइस को ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर समझ जाओ तो जिंदगी बदल जाए। सर क्या बोलते हो? यस सर, ध्यान से सुनना, बेसिक ट्रिक्स है ये, ट्रिक्स है मार्केट का। चलो ये टेबल आपको बहुत कुछ बता के जाएगा, जान जाओगे तो काम बन सकता है, नहीं जानोगे तो ये छोटा सा चीज मतलब बोलते हैं ना, मतलब आपको फांक दे के निकल जाएगा। सर जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज करता है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज करता है तो एक परसेप्शन बनता है ट्रेडर का। आप कभी भी चेक कर लो, कभी भी मार्केट को चेक कर लो, किसी भी सिचुएशंस को चेक कर लो। मैं नेक्स्ट दिन आपको डेटा शो करूंगा, आज सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट दिन सिर्फ डेटा ही शो करूंगा। प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, ट्रेडर का परसेप्शन क्या बनेगा? अच्छा कैसे इंक्रीज करता है आपको पता लग गया, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज है और ओपन प्राइस ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ट्रेडर परसेप्शन बुलिश है। सर मानो कि मार्केट का प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो ऑब्वियसली बियरिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड। ध्यान से सुनना, प्राइस भी गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, दोनों ही गिर रहा है। मतलब तो ऐसे सिचुएशंस में आपको अगर कैंडल स्टिक का बात करें तो बेसिकली लो पोजीशंस पे आपको मे बी स्पिनिंग टॉप, दोजी जैसे कैंडल दिखाई देगा। क्या मतलब बताना चाहता है, बियरिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड मतलब बियरिश ट्रेंड को खत्म करेगा और रिवर्सल एक्सपेक्ट करेगा, रिवर्सल एक्सपेक्ट करेगा। जब दोनों ही प्राइस भी गिर रहा था, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा था, मतलब आप पोजीशन लो, दिस इज द टाइम ऑफ टाइम टू टेक पोजीशन। नेक्स्ट दिन आपको मैं डेटा के साथ शो करूंगा, ठीक, जैसे टेक्निकल पे देखते हैं वैसा ही दिखाऊंगा। डिक्रीज, प्राइस भी डिक्रीज, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज। प्राइस कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सर प्राइस अगर कम होगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बेयरिश ट्रेंड क्रिएट होता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब मार्केट में अभी पोजीशन बन रहा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या, मार्केट में पोजीशंस बढ़ रहा है, एग्जीक्यूशंस में देरी है, लेकिन प्राइस गिर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बेयरिश ही है। मतलब ट्रेडर का परसेप्शन मार्केट के प्रति बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि पोजीशन तो ओपन रहेगा और मार्केट प्राइस गिर रहा है, तो मार्केट में प्राइस गिरने का और भी कारण है, यू ऑल नो दैट। तो इसका मतलब है कि ट्रेडर का परसेप्शन बेयरिश रहेगा। प्राइस इंक्रीज कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, मतलब प्राइस ज्यादा हो रहा है पर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, बुलिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड। ये बुलिशनेस को खत्म कर सकता है और आपको फिर से बियरिश मोड में लाके खड़ा कर सकता है, मतलब पोजीशन चेंज होने वाला है। बेसिकली अपर ट्रेंड में देखने को मिलता है, पर्टिकुलर स्टॉक के केस में या निफ्टी के केस में। सर ऐसा सच में देखने को मिलता है, सर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। अनलाइक वॉल्यूम, द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डज नॉट रियली कन्वे एनी डायरेक्शनल व्यू।
वॉल्यूम फिर भी आपको डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था। वॉल्यूम अनलाइक वॉल्यूम द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डज नॉट रियली कन्वे ए डायरेक्शनल व्यू। ओपन इंटरेस्ट आपको कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं देगा ऑन मार्केट। हाउएवर इट डज नॉट गिव ए सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, इट डज गिव ए सेंस ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन बुलिश एंड बेयरिश पोजीशंस। लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ कितना हो सकता है और बेयरिश स्ट्रेंथ कितना हो सकता है। अब नीचे में आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ ऊपर में आपको बताया, अब आपको मैं आगे प्राइस और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है वो बताता हूं। इतना देर से मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का बता रहा था, ठीक है, अब आपको मैं वॉल्यूम के साथ बता, अब ध्यान से देखना सर, ठीक है। वॉल्यूम में क्या होता है, ट्रेडर्स का परसेप्शन वो आप देख, अगर मार्केट में आपको वॉल्यूम इंक्रीज देखते को मिलता, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज मतलब लॉन्ग साइड मतलब बाई ज्यादा चल रहा है मार्केट में, प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, लॉन्ग्स आर कवरिंग देयर पोजीशंस आल्सो कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, मतलब लॉन्ग अपना पोजीशंस को कवर कर रहा है तो लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है सर, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, शॉर्ट साइड में सेल ज्यादा चल रहा है, शॉर्ट साइड सेल ज्यादा चल रहा है तभी ऐसा हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी गिर रहा है, शॉर्टर कवरिंग देयर पोजीशन आल्सो कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। सो इसी तरह से मार्केट में आपको अलग अलग मिलेगा। डू नॉट इफ देयर इज एन एबनॉर्मली हाई ओपन इंटरेस्ट बैक्ड बाय रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस देन बी कॉशियस। अगर आपको कभी अचानक से मार्केट में बहुत जोर में ओपन इंटरेस्ट हाई नजर आता है, रैपिड इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, सावधान रहना, चौकन्ना रहना, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब या तो बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग पोजिशन बन रहा है दोनों साइड में, इसका मतलब थोड़ा सावधान में आगे बढ़ना है। सिचुएशन सिंपली मींस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंफोरिया एंड लेवरेज बीइंग बिल्ट अप, लेवरेज में रिस्क बन रहा है इन द मार्केट, ठीक है। इन सिचुएशन लाइक दिस इवन अ स्मॉल ट्रिगर कुड लीड टू लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट। थोड़ा सा कुछ भी मार्केट में पैनिक कर सकता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट रातों रात खत्म हो सकता है। एंड दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस मॉड्यूल, मतलब आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शंस मार्केट में ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट को लेके चलना है सर, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में इसका और बड़ा यूज देखेंगे। ये तो था फ्यूचर मार्केट रिलेटेड एज वेल एज ऑप्शन रिलेटेड, बेसिक एरिया भी कवर हुआ फ्यूचर के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूचर था, मतलब जो ऑप्शन में भी जरूरी है ऐसा बात भी हम लोगों ने बेसिक्स डेवलप करने के टाइम पे किया। पर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम को दिमाग में रखते हुए चलेंगे, बट उससे पहले ऑप्शंस मार्केट बेसिक्स, फिर धीरे धीरे ऑप्शन स्ट्रेटजीज वगैरह में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्लीज टेल मी कि आप लोगों को समझ में आया आज का क्लास, क्या आप लोगों के दिमाग में गया कि कैसे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम काम करता है। अब इसका डेटा को एनएससी के साइट से या आपके ब्रोकिंग फॉर्म के साइट से निकालो और फिर वहां से इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट करके जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, होमवर्क दे रहा हूं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है एनएससी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिलता है एनएससी के साइट से, या फिर आपको कहीं से भी ब्रोकिंग फॉर्म के डेटा से, जहां से भी आपको वॉल्यूम मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बेसिस में हम लोग जो ट्रेड सेटअप ले रहे हैं या देखना चाहते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में, आप उसको देखो और फिर अपना ऑब्जर्वेशन स्टॉक मार्केट में हमारे जो इक्विटी डेरिवेटिव ग्रुप है उसमें शेयर करो सर, है ना। ठीक जिस तरह से हम लोग कुछ दिन पहले रिलायंस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो रिलायंस में हमें देखने को मिला, है ना, हम लोग निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर रहे थे, निफ्टी में भी देखने को मिला, शायद हम लोग टीसीएस में भी काफी बातचीत किए हैं क्लास में, तो टीसीएस का क्या सिचुएशन बना है एक बार मैं देखता हूँ चार्ट, टीसीएस में भी बना है सर, टीसीएस में भी शॉर्ट टर्म पोजीशन बना है। अब कोई बोलेगा सर तो मार्केट मौका दिया है, सर मार्केट तभी मौका देता है जब इंडिविजुअल चीजें मौका देता है, बात को समझे, बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर सागर से बूंद जुड़ा हुआ है, बनता है कि नहीं आई डोंट नो, जुड़ा हुआ है बट सब कनेक्टेड है सर, सब कनेक्टेड। हेलो, तो टीसीएस भी आपको मौका दिया है शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में भी मौका दिया है, सो काफी लोग रिसेंटली कमाया भी है सर मार्केट से, ठीक है, जो जैसे बात भी हो रहा था, जो लोग ज्यादातर लाइव क्लास नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड वगैरह लेते हैं और बात करके डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है सर, बोलो। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
বিশ্ব, পীয়ূষ তথা সম্পদ সুমিত, ক্লিয়ার না রে? ওকে স্যার, চলো প্র্যাকটিস করতে চলো, আপনি আপকো বিল্ড আপ করতে চলো। থ্যাংক ইউ স্যার, আজ ইতনা টাটা রাখছি। ওকে।